बेटी का एग्जाम है एग्रीकल्चर का, बच्चों का कहाँ, क्या नाम है मुन्ना? आशीष सारण। कहाँ से हो? मैं चूरू से। चूरू से, कैसा हुआ एग्जाम? एकदम बढ़िया। क्वेश्चन सही किए? 40 के। बिल्कुल, आपकी स्माइल बता रही है एग्जाम अच्छा हुआ आपका। चलिए, आपकी भी स्माइल बता रही है एग्जाम तो अच्छा ही हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा, कितने क्वेश्चन किए? 40। और सही कितने हैं? सही 39 सही है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हो? कुशलगढ़ बांसवाड़ा से। बढ़िया माहौल था अंदर, कोई डर नहीं था कुछ भी? मस्त था एकदम। बिल्कुल एकदम मस्त था। कोई क्वेश्चन ऐसा याद है आपको जो आपको एग्रीकल्चर का जो आपके परीक्षा में आए हो? कोई भी एक आपको याद है कोई पर्सन जो आपके परीक्षा में आया हुआ है? जी हाँ, आम के प्रवर्धन का आया था। अच्छा, क्या किया उसमें फिर? स्टोन ग्राफ्टिंग। और कोई एग्रीकल्चर का क्वेश्चन कैसे, कितने क्वेश्चन किया? सभी सिंपल क्वेश्चन आए थे। सभी सिंपल। कितने क्वेश्चन सही है आपके? 40। कहाँ से रहने वाले हो? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से, क्या नाम है? सुरेश जाट। आपका क्या नाम है मुन्ना? कुणाल चौधरी। आ जाओ, चलते सब साथ में। क्या नाम है आपका? पवन गुजर। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन सही है? सही कर पता नहीं, 40 करके आए हैं। 40 करके आए हो, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ। आपका कैसा हुआ? मस्त है एकदम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जोधपुर के। जोधपुर के रहने वाले हो, कितने क्वेश्चन सही है? 35 अराउंड सही है। और ऐसे इतने खुश कैसे लग रहे हो? बहुत इजी पेपर था। इजी पेपर था? हाँ जी। कितने क्वेश्चन सही है आपके? 35+। 35+ सही है। वेरी गुड। और आपने की तैयारी कैसी थी? मेरी तैयारी एक नंबर थी। बढ़िया थी? चलिए बहुत बढ़िया। पूरे के पूरे आप लोगों का कैसा हुआ? सर बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। 40 में से 40 सही। 40 में से 40 सही है। कोई ऐसा पर्सन जो आपको आता हो? सभी आते हैं। नहीं, अभी याद हो यहाँ खुरपका मुँह पका वायरस द्वारा होता है। खुरपका मुँह पका रोग वायरस वायरस द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? एक तो FMD, एक रिंडरपेस्ट, एक रेबीज। ठीक है, ये तीनों किसके द्वारा? R2F से दो बनते हैं, रेबीज और रिंडरपेस्ट। FMD मैंने कल ही करवाया था ये तो लाइव के अंदर। एक आनुवंशिक शब्द किसने दिया? अच्छा, ये भी आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह, कहाँ से हो? मैं भोपालगढ़ जोधपुर। भोपालगढ़ से हो। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा सर। इतना समय क्यों लगा आपको? 10:30 हो गई छुट्टी होने में आपका? अंदर है ना कुछ चेकिंग चल रही थी इसीलिए। किस चीज़ की चेकिंग? चेकिंग वो पता नहीं, हम तो साइड में मतलब वहीं पे बैठे थे। अच्छा, वहीं पे बैठे थे। आपका एग्जाम फिक्स टाइम पे सबमिट करवा दिया था? फिक्स टाइम पे सबमिट हो गया था पूरा। कितने बजे? फिक्स है वो टाइम तो अभी मैंने देखा नहीं, वॉच नहीं थी अंदर। हाँ। फिक्स टाइम पे वो जो टाइमिंग थी वो पूरी कंप्लीट। हाँ, चला। कैसे हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 40 टोटल अटेंड किए। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो अभी याद हो? पहले तो ये बताओ, आपका एग्जाम फिक्स टाइम पे हुआ था स्टार्ट यहाँ पे? और अभी आपकी लेट छुट्टी हुई है, 10:30 बज गई। हाँ सर। और सेंटरों पे छुट्टी टाइम पर हो गई, तो ये क्या कारण है आपका यहाँ पर? सर पता नहीं सर। गर्मी अंदर बहुत हो रही थी। अंदर गर्मी। फिर भी बैठा के रख रहे थे। गर्मी अंदर बहुत थी फिर भी बैठा के रख रहे थे। एग्जाम सबमिट आपका सही टाइम पर हो गया? हाँ सर, 9:45 पर सबमिट हो गया था। फिर भी छुट्टी कर रहे थे। आपको कैसे बैठा के रखा? पता नहीं सर। आ रहे कह रहे दो मिनट, उससे आगे कुछ कह ही नहीं रहे। अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं कर रहे? हाँ, दो मिनट। सभी का एक साथ सबमिट हो गया था? हाँ सर, सभी का एक साथ। एग्जाम अच्छा हुआ आपका? अच्छा हुआ सर। सब एग्जाम आपका? सर बहुत बढ़िया हुआ था। बहुत बढ़िया हुआ। एग्रोनॉमी के कितने क्वेश्चन आए थे? 21 क्वेश्चन आए थे। एनिमल हस्बेंड्री के कितने क्वेश्चन आए? एनिमल हस्बेंड्री पूरी की है, आया कितना वो नहीं पता। कोई ऐसा क्वेश्चन से आपको याद है जो एनिमल हस्बेंड्री का अपनी लाइव के अंदर से आया हो कहीं? नहीं, जो आपने ऑनलाइन में बताया वही आए थे सारे। कौन सा क्वेश्चन है आपको, कोई एक दो क्वेश्चन जो आपको याद है अभी अंदर करके आए हो आप? हाँ याद है ना, कैरोटीन वाला एनिमल वाला, वो तो इतना आसान थे। ये तो आसान, तो ये तो करवाया था आपने, क्या बात है। बढ़िया सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र फ्रोड़ा फ्रॉम लूणसरा सर। अच्छा, लूणकर सर बीकानेर से? नहीं, लूणसरा आपको। अच्छा, लूणसर यही पे है क्या? जोधपुर में? नहीं, नागौर में। नागौर में है। कैसा हुआ एग्जाम? एग्जाम एक नंबर हुआ। हॉर्टिकल्चर के कितने क्वेश्चन थे? हॉर्टिकल्चर के काफी थे क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन थे। बढ़िया हुआ। और इससे पहले केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्जाम? वो केमिस्ट्री का थोड़ा कम ही ठीक हुआ, बाकी बायोलॉजी।
सारण से। अच्छा आप कहाँ से हो? मैं धार नगरी बाड़मेर से हूँ। धार नगरी बाड़मेर से। कैसा हुआ एग्जाम? पेपर बहुत शानदार हुआ। आप कहाँ से हो मुन्ना? बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से आप? जयपुर से। जयपुर से कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा बढ़िया हुआ। आप कहाँ से? पोकन से कैसा एग्जाम? वेरी गुड, वेरी इजी एग्जाम। अच्छा आप कहाँ से? बाड़मेर से सर। बाड़मेर से कैसा हुआ एग्जाम? बहुत बढ़िया हुआ। कितने क्वेश्चन सही करके आए हो सर? क्वेश्चन तो देखो 25-30 लगभग सही हो जाएंगे। हाँ सर। इससे पहले एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का उसमें ठीक हुआ, परंतु उसमें सर टाइम थोड़ा कम था। जेट का 2 जून को एग्जाम होने वाला है, पता है? हाँ जी। बढ़िया, चलिए। बहुत अच्छा हुआ। कहाँ से हो? बालेसर से। बालेसर से क्या नाम है? नरेश कुमावत। तुम कितना कर गए? चला 40। 40 कितने क्वेश्चन सही है? 40 में से लगभग 35 तो हो गए। 35 क्वेश्चन सही हो जाएंगे? यस सर। एग्रोनॉमी के कितने क्वेश्चन थे? एग्रोनॉमी थे सर 30 में। 25 थे। 25 हॉर्टिकल्चर के? हॉर्टिकल्चर बाकी सर। एनिमल के थे सभी के थे। जो अपने परसों जो 3.5 घंटे की कला, उसमें से सर कितने आए थे? उसमें से आए सर लगभग अपनी मेहनत बेकार तो नहीं? मैंने सभी गाय के नस्ल और उत्पत्ति स्थान उसमें सब कुछ उसमें से पूछा गया। कैसा हुआ एग्जाम? बहुत जोरदार हुआ सर। जोरदार हुआ मतलब मेहनत की उसका फल मिला? बिल्कुल सर, प्रतिज्ञा क्लास जा रहे थे, मेहनत की थी बहुत ज्यादा। आपने पढ़ाया था सर दिन में 5-6 घंटे? कैसा हुआ एग्जाम सर? बढ़िया था पेपर। कितने क्वेश्चन सही हो जाएंगे? लगभग 33 या 34 क्वेश्चन सही। क्या बात है, बहुत आगे सही हो। तो देखा आपने CUET के जो आज एग्रीकल्चर का एग्जाम है उनमें बच्चों का रिव्यू बहुत इजी पेपर था।